द मनी डिमेंड फंक्शन जी स्टूडेंट्स हमने मनी डिमांड को डिटेल में समझा कि इससे मुराद क्या है और किस तरह से ये डिटर्मन होती है कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आज हम इसका डिमांड फंक्शन डिस्कस करेंगे सो एमडी मनी डिमांड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू पी टाइम्स एल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई एंड आई पी प्राइस लेवल है मनी डिमेंट एम डी नॉमिनल मनी डिमेंट है ओके पी प्राइस लेवल है और हमने पढ़ा कि प्राइस के साथ इसका डायरेक्ट और प्रपोर्शनल रिलेशनशिप है तो जब प्राइस इंक्रीज करती हैं जिस प्रपोर्शन से मनी नॉमिनल मनी डिमांड भी उसी प्रपोर्शन से इंक्रीज करती हैं तो इसलिए ये इसके साथ पी मल्टीप्लाई हो रहा है ओके okay. और मनी डिमांड जो है इसमें एल जो है मनी डिमांड फंक्शन है सो इट इट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स वन इज़ वाई दैट इज़ रियल इनकम या आउटपुट ओके okay. एंड द सेकेंड इज़ आए इट इज़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन मॉनिटरी एसेट्स ओके इंटरेस्ट रेट पर हम लास्ट मॉड्यूल में बात की थी कि कई तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं तो हमने उसको सिंप्लीफाई करते हुए कहा था कि हम आए का सिंबल यूज़ करेंगे ये डिनोट करने के लिए कि तमाम जो नॉन मॉनिट्री एसेट्स का इंटरेस्ट रेट है उसको शो करने के लिए और आई एम आई के ऊपर अगर हम एम सब्सक्रिप्ट डाल देंगे तो वो होगा कि तमाम मनी पर जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको शो करने के लिए तो आई एम चूँकि उसमें बहुत कोई वेरिएशन नहीं आती इसलिए हमने इस फंक्शन में उसे हमने ड्रॉप कर दिया लेकिन आई को इंक्लूड किया क्योंकि आई ये वो रेट है जो नॉन मॉनिटरी एसेट्स पर मिलता है और ये डेफिनेटली मनी डिमांड को बहुत स्ट्रांग इसका इम्पेक्ट उस पर होता है ठीक okay. है और पी के साथ मैंने बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ठीक है और मनी डिमांड जो है इसका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इनकम जिस रेशो से बढ़ती है मनी डिमांड उससे कम बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट आए इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ठीक है और ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है जो नॉन मॉनिटरी एसेट्स पर जो रिटर्न मिलता है जो इंटरेस्ट रेट मिलता है तो मनी डिमांड का इसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है ठीक है नॉन मॉनिट्री एसेट्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ज़ाहर है फिर मनी को होल्ड करना उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ जाएगी तो वो फिर लोग कम कैश रखेंगे अपने पास कम मनी होल्ड करेंगे सो so, इसके साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है पी के साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है वाई के साथ डायरेक्ट है लेकिन वन टू वन नहीं है जिस रेशो से वाई बढ़ती है मनी डिमांड नामिनल मनी डिमांड की हम बात करें ये उससे कम बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कम हो जाएगी ये उसी की डिटेल है कि नॉमिनल मनी डिमांड इज़ प्रपोर्शनल टू द प्राइस लेवल और अराइज इन वाई विल इंक्रीज मनी डिमांड बट नॉट एज मच जैसे मैंने बताया अराइज़ इन आई विल रिड्यूस मनी डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप है सो so, मैंने बताया आई एम कॉन्सेंट्रेस्टेड था जो मनी पर मिलता था ठीक है आपके करंट अकाउंट वगैरह पर मिलता था उसको हमने इसमें से ड्रॉप कर दिया कि ये आमतौर पर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते ओके सो इस मनी डिमांड फंक्शन का अब हमने इसको और इसका एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है इसमें क्या चेंज है पहला अगर आप रिकॉल करें तो क्या था एल वाज द फंक्शन ऑफ वाई एंड इसकी जगह हमने लिखा था आय आई के कैसे डिफाइन किया था आई वाज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ठीक है और आप जानते हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको हम आर आर इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट ओके सो ये किसके इक्वल होगा आय में से अगर आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस कर दें आए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो दिस विल बी यूर रियल इंटरेस्ट रेड तो इसको रीअरेंज करने से आई विल बी इक्वल टू आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो आई को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बाई दिस आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ठीक है हमने देखा था कि आई के साथ रिलेशनशिप मनी डिमांड नॉमिनल मनी डिमांड का क्या था नेगेटिव आई के बढ़ने से वो बढ़ता था तो अब आर रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से भी आय बढ़ जाएगा और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से भी आय बढ़ जाएगा तो इनके साथ यानी अगर पी कांस्टेंट है वाई कांस्टेंट है तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी डिमांड कम हो जाएगी और इसी तरह से अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में इजाफ़ा होता है तो इससे भी मनी डिमांड नॉमिनल मनी डिमांड कम हो जाएगी ओके सो so, अब इसको हमने एक और इसको तरह से लिखा है इसमें क्या किया जस्ट हमने दोनों साइड्स को पी से डिवाइड कर दिया ठीक है लेफ्ट साइड को भी और इस साइड को भी यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पर आपके पास मैन डी एम डी ओवर पी और राइट हैंड साइड पर एल दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई एंड आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन सो पी से डिवाइड करने से आप जानते हैं हम किसी भी नॉमिनल वेरिएबल को जब प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं तो वो रियल वेरिएबल हो जाता है सो एम डी द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी और जब हमने इसको पी से डिवाइड कर दिए तो दिस इज़ द रियल डिमांड फॉर मनी ओके सो रियल डिमांड फॉर मनी रियल बैलेंसेस भी हम इसे कहते हैं उसकी डिमांड है तो दिस दिस डिपेंड्स ऑन कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है रियल मनी डिमांड ये डिपेंड करती है आपके रियल इनकम पर वाई पर आउटपुट पर डायरेक्टली उसके साथ उसका रिलेशनशिप है वाई बढ़ के बढ़ने से रियल मनी डिमांड बढ़ जाएगी ये डिपेंड करता है रियल इंटरेस्ट रेट पर ठीक है रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से रियल मनी डिमांड कम हो जाएगी और ये डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पर उसके बढ़ने से इसमें कमी वाकई हो जाएगी सो so, ये हमने मनी डिमांड फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्म में हमने आज समझा कि ये कैसे हम इसको इन रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच